हरे कृष्णा। तो सबके पास किताब और मतलब नोटबुक है और पेन है। और जो अभी हम जो ठाकुर जी की सेवा के संबंध में जो बताएंगे, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार है। और ये हमारे इसको आंदोलन ये GBC के माध्यम से इंग्लिश में तो प्रस्तुत तो किया है किताब, और लेकिन हिंदी में हमने यहाँ पर और इंग्लिश में हमारे यहाँ पर मंदिर में किसी की ठाकुर जी की हम यहाँ पर कैसे सेवा कर रहे हैं तो किताब छपा हुआ है और हिंदी में भी है। तो जो और जानकारी लेना चाहता है तो यहाँ पर बुक स्टॉल में मिल सकता है हिंदी में किताब। सो और राजविद्या और या दिस द टू डिवोटीज हियर दे स्पीक दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो और यू वांट टू ट्रांसलेट या और वाइज राजविद्या यू वांट टू ट्रांसलेट, यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, Hindi to English, okay? So these two Matajis, they do not speak Hindi. So he will translate his, and you can just listen, okay? Yeah, Mataji, yeah, okay? So, whenever, acha, Hare Krishna. Cameraman, ready? Tayar? Yes? Okay, good. Here is ISKCON Vrindavan broadcasting team. So, Hare, voice is clear, you can understand. Samajh sakta hai? हरे कृष्णा। अब स्पष्ट है, समझ सकता है मेरी आवाज़ और ठीक है? थोड़ा सा ऊंचा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर और जानकारी लेना चाहता है मैं इस अदर पर तो ठाकुर जी के संबंध में कुछ बताऊंगा। ये पंचरत्र विग्रह अर्चन प्रदीप और इंग्लिश में द्वितीय वर्शिप मैनुअल। तो प्रवचन से पहले या कथा से पहले या सेवा से पहले गुरु गौरांग कृष्ण का स्मरण करना है, जिससे प्रवचन ये और श्रीमद् भागवतम क्लास से पहले भक्त लोग मंगलोच्चारण उच्चारण करता है। तो इसमें तो पुजारी को मालूम होना चाहिए जिसमें पूरा मंगलाचरण उल्लेख किया है, क्योंकि दो प्रकार की सेवा है, एक मंदिर में है और एक घर पे। तो जैसे बड़े मंदिर जैसे वृंदावन धाम है तो जो पुजारी जो है अच्छे तरह से उनको सीखना है, मालूम होना चाहिए कि कैसे विधिवत पूर्वक उत्तम श्रेणी से सेवा करना है। घर पे तो सरल विधि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ये सरल विधि से सेवा होता है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि वास्तव में कैसे सेवा करना है। इसके बाद तो कालादेश पत्र के अनुसार घर पे भी सेवा कर सकता है। तो
मंगलोच्चारण आपको शायद मालूम है, वंद्यम श्री गुरु श्री युत पद कमल श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम सागरजातम सहगना रघुनाथन्वितम तम सजीव साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललित श्री विशकन्वितम हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनो बंधो जगत्पते गोपेशा गोपिककंता राधाकंता नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्राणाममी हरिप्रिये वंचकल्पतरुभ्यश्चा कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद यह है कि जो मंदिर में भक्त लोग हैं, सेवा से पहले विशेष करके जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है मंदिर में और घर पे, ये पूजा होता है जो मंगलाती के बाद है, तग जी की अभिषेक एवं श्रृंगार सेवा। तो इससे पहले भी वास्तव में तो ठाकुर जी की पूजा के पहले गुरु की पूजा करना है। तो इसलिए जे जो प्रणाम मंत्र प्रभुपाद भक्ति सिद्धांता गौरकिशोर दास बाबू जी इत्यादि जो बड़े मंदिर में सेवा कर रहे हैं उनको सबको मालूम होना चाहिए। पूरा मंगलाचरण जैसे प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र इत्यादि। लेकिन घर पर जब समय नहीं है तो घर पे तो परिवार सास ससुर की देखभाल भी करना है, उनकी उनको जो भी चाय देना है, उसके बाद जब बच्चा है उनकी देखभाल करना है, पालन पोषण करना है, तो ज़्यादा समय नहीं है। तो इसलिए संक्षेप में कर सकते हैं वंदेहम उच्चारण करके, या एक मंत्र है जो आप सीख सकता है गौरी वैष्णव संप्रदाय में प्रसिद्ध है, इसमें सब आ जाता है, गुरु गौरांगा एवं राधा कृष्णा। बहुत सरल है, बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर मंत्र है। तो हाथ जोड़ के मेरे पीछे बोलिए, गुरवे गौर चंद्राया राधिकायाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो प्रणाम करता है गुरुदेव को, इसके बाद गुरु का स्मरण करके वास्तव में तो पूर्वताचार्य विशेष करके रूप गोस्वामी का स्मरण कर सकता है, क्योंकि हम अपने आप को रूप अनुग वैष्णव कहलाता है, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में चलता है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ नित्य सिद्ध परिकार है। इसके बाद गौरांग को प्रणाम करता है, उनका स्मरण करता है, उनके परिकार। तत्पश्चात राधिकायाय तदालये श्रीमती रानी एवं उनकी सहेलियाँ गोपियाँ मंजारियाँ, और यह तद आलये, तद मतलब श्रीमती रानी आलय उनके वसस्थान वृंदावन प्रसन्ना जवत हो। तो उनका स्मरण करते हुए इसके बाद कृष्ण को, कृष्ण के भक्त और कृष्ण के भक्त के भक्त, वास्तव में हम की दास के दास के दास इस भाव में रहने चाहिए। हम कृष्ण के दास के दास के दास है। कृष्ण भी कहता है जो अपने आप को कृष्ण के भक्त कहलाता है, मतलब अगर कोई बोलता है मैं कृष्ण के भक्त हूँ, तो कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को, पद्म पुराना एक श्लोक है, अगर कोई कहता है कि मैं कृष्ण के भक्त हूँ तो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो कहता है कि मैं कृष्ण के भक्त हूँ ये वास्तव में मेरे भक्त है। तो भी नम्र भाव में रहना है। तो सब भक्त को प्रणाम करना है, और ये जैसे हम गौरी वैष्णव संप्रदाय में है, इसके बाद दूसरा संप्रदाय है जैसे रामानुज संप्रदाय, निम्बर्क संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, ये सब वैष्णव है, भगवान को मानता है,
भगवान की उपासना करना है तो सबको प्रणाम करना है, मतलब सम्मान देना है, नहीं सोचना चाहिए कि हम तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम इसको के भक्त है और दूसरे इसके अलावा कोई भक्त है ही नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। ये भगवान की विशेष कृपा है कि अभी हम इस आंदोलन में है, प्रभुपाद के आंदोलन में है, लेकिन फिर भी हमको समझना चाहिए कि हम तुच्छा है, ये प्रभुपाद की कृपा है, भगवान की कृपा है कि अभी हम इस आंदोलन में है, और हम समझना चाहिए कि हम तुच्छा है और इसलिए सबको सम्मान देना है। और तो ये श्लोक तो सीख सकता है, सरल श्लोक है, और बाद में बताएंगे भी तो कब उच्चारण भी कर सकता है, तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ये आपके हित के लिए बताता हूँ, तो आप मंत्र सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर जाना है और भक्त लोग कभी कभी बोलता भी कुछ बताएं आपके आंदोलन के बारे में, भगवान के बारे में, दो मिनट आपके पास है तो उसी समय भी गुरु गौरांग कृष्ण का प्रणाम करके तो कुछ बता सकता है, बताएंगे तो ये उसी समय ये श्लोक उच्चारण करके कुछ बता सकता है। और जैसे दूसरे मंगलाचरण जैसे वंदे हम, इसमें तो उच्चारण करने में समय लगेगा, जब ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटा सा श्लोक उच्चारण करके तो गुरु गौरांग और राधा कृष्णा का स्मरण कर सकता है। तो शिला प्रभुपाद ठाकुर जी की सेवा जो जिन्होंने स्थापित किया है, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में शिल भक्ति सिद्धांतों को गुरु मार्ग के अनुसार और विशेष करके इसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी भी कुछ उन्होंने बताए गए थे कि कैसे ठाकुर जी की सेवा करना है। और वास्तव में ये कि शास्त्र के अनुसार है, वैदिक साहित्य के अनुसार, श्रीमद् भागवतम के अनुसार भी है। कृष्ण भी तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उन्होंने तो उद्धव को अप्रकट होने से पहले, उद्धव को तो ये कृष्ण के प्रिय मित्र है, उनके प्रधानमंत्री थे जब कृष्ण द्वारकाधीश वहाँ पर द्वारका में थे, और तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भक्त थे, तो उनको मालूम था कि अभी जाने वाला है कृष्णा, इसलिए उनके पास गए और उनसे पूछताछ किया, बहुत सारे प्रश्नों के पास थे उनसे पूछे, तो उन्होंने उत्तर दिया प्रश्न के। और विशेष करके इसमें एक अध्याय 11वें स्कंद के एक पूरा अध्याय ठाकुर जी की सेवा के संबंध में है। तो इसके अनुसार प्रभुपाद तो अपनी सेवा स्थापित किया है यहाँ पर, जैसे वृंदावन में और दूसरे बड़े मंदिर में, और इसके अनुसार हम भी आजकल भी सेवा कर रहा है। तो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, गुरु के आदेश के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करना है, गुरु की कृपा के बिना ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकता है। तो हरिनाम लेना है गुरु जी से, प्रभुपाद से लिया है या उनके शिष्य से लेना है, इसके बाद तो उपनयन संस्कार या ब्राह्मण दीक्षा भी लेना है, तब अच्छे तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और वास्तव में मंदिर में इसको मंदिर में ठाकुर जी सेवा करने के लिए तो ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए, घर पे जब गुरु के आश्रय में है तब बिना ब्राह्मण दीक्षा भी ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, लेकिन गुरु के अनुगत्य में चलना है, गुरु के आदेश, दीक्षा गुरु हो शिक्षा गुरु उनके आदेश अनुसार सेवा करना है, और सिर्फ विधिवत पूर्वक ना है ये, लेकिन भाव सेवा होने चाहिए। एक चीज़ है विधि, एक चीज़ है भाव, तो विधिवत पूर्वक होना चाहिए लेकिन भाव सहित सेवा करना चाहिए। और तो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो हमारे इष्ट देव है श्री चैतन्य महाप्रभु, और तत्पश्चात श्री श्री राधा श्याम सुंदर,
श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नायान्य चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है। तो उन्होंने तो युग दामस तप किया है ये महामंत्र के जप या कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब के लिए है, लेकिन इसके बाद विशेष बात यह है कि महाप्रभु जैसे कृष्ण स्वयं भगवान है, मूल रूप है, सबके उद्गम है, तो वैकुंठ बाप भी दे सकता है महाप्रभु या कृष्ण भी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण और या राधे कृष्ण के विस्तार रूप है और विष्णु रूप जो है सब कृष्ण के विस्तार रूप है। तो लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ब्रज भक्ति देने के लिए आया है और ब्रज के अलग अलग कृष्ण के परिकार है, जैसे उनके मित्र है सुदाम श्रीदाम मधुमंगल इत्यादि, एवं उनके सेवकगण जो है रक्तक पत्रक इत्यादि जो दशरस में है, इसके बाद उनके माता पिता यशोदा नंद बाबा और दूसरे उनके मित्र के पिताजी माता जी, उनके पास भी कृष्ण के प्रति वत्सल्य भाव है। और इसके बाद जो सर्वोत्तम कृष्ण के भक्त है परिकार है ये गोपियाँ हैं और इनमें से श्रेष्ठ है श्रीमती रानी। तो उन उज्ज्वल रस जो मधुर्य भाव गोपी भाव जो है विशेष करके ये भी देने के लिए आया है। और महाप्रभु के परिकार जो है जैसे स्वरूप दामोदर राय रामानंद रॉय और रूप गोस्वामी रंगनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ये सब गोपियाँ हैं, हमारे पूर्वाचार्य लगभग सब गोपियाँ हैं कृष्ण लीला में। तो वास्तव में ब्रजभाव में ठाकुर जी की सेवा करना है और जैसे जगन्नाथ की सेवा भी हो। और जगन्नाथ वास्तव में कौन है, ये द्वारकाधीश है, लेकिन जब कृष्ण का स्मरण करता है जब ये महाभाव स्वरूप प्रकट हो जाता है जो जगन्नाथ है, महाभाव स्वरूप जगन्नाथ जो अपना तो रूप ब्रज में और गोपियाँ के साथ या ब्रजवासी के साथ जब उनका श्रवण किए थे, उनके स्मरण करता है, तब यह जगन्नाथ का रूप प्रकट हो जाता है। और इसके बाद तो क्योंकि इस भौतिक जग में बहुत समस्या आ जाता है, दो चार मंदिर में और प्रॉपर भी नृसिंह मंत्र दिया है जिसे मंगलाती के बाद उच्चारण करते हैं नृसिंह देव के, और वास्तव में जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद के स्तोत्र है दशावतार स्तोत्रम। तो मेरे रक्ष के लिए आपके जो हमारे अनाथ दूर करने के लिए ये दशावतार स्तोत्रम है, लेकिन ये गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी कृत ये वास्तव में राधा कृष्ण की लीला के बारे में है, लेकिन क्योंकि जब तो शुद्ध नहीं है तब तो शुद्धिकरण के लिए वैदिक भक्ति के अनुसार हमको भजन करना है, तब ब्रजभाव में जब राग मार्ग में प्रवेश कर सकता है। तो लेकिन पहले हमको मालूम होना चाहिए कृष्ण भगवान है और हम कृष्ण के दास है, ये हमको मालूम होना चाहिए। और ऐसे का तो हम सेवा कर रहा है, ये भगवान है, हमके उनके दास है, लेकिन बाद में जब आगे जाता है तो भूल तो उसी समय भक्त लोग भूल जाता है जब भाव सेवा में प्रवेश कर रहा है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण मेरे प्रियतम है, कृष्ण मेरे पुत्र है, कृष्ण मेरे मित्र है। और ये वास्तविक ये सबसे बढ़िया सेवा है जब भाव सेवा कर रहा है कोई, लेकिन पहले विधिवत पूर्वक सेवा करना है, कृष्ण भगवान है और हम कृष्ण के दास है। तो और ये भी है कि तो जैसे ठाकुर जी की सेवा हम कहते हैं अलग अलग नाम है ठाकुर जी की सेवा, जिसे हम कहते हैं ठाकुर जी की सेवा, दूसरा नाम है अर्चनम और दूसरा नाम भी है जैसे परिचार्या चार्या इज्जा नित्य सेवा, ये सब ठाकुर जी की सेवा के नाम है। और दो प्रकार की सेवा भी है ठाकुर जी के संबंध में,
एक है जो प्रतिदिन होता है, इसका नाम है नित्य सेवा, जो प्रतिदिन होता है, जो हमेशा होता है, और ये भी नित्य लीला के अनुसार है। जैसे कृष्ण के दो प्रकार के लीला है, एक आध्यात्मिक जगत में, इनका नाम है नित्य लीला, अष्टकालीय लीला, कृष्ण क्या कर रहे हैं दिन में और रात में। तो इसमें उल्लेख किया है हमारे पूर्वाचार्यों जैसे रूप गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इसका भी जानकारी लेना है धीरे धीरे, मैं भी बताऊंगा दो तीन शब्द इसके बारे में। तो जो प्रतिदिन जो होता है नित्य सेवा कहलाते हैं, और ये नित्य लीला के अनुसार है लगभग। इसके बाद दूसरे प्रकार के कृष्ण की लीला है उनके जन्म लीला, इसके बाद असुर के बाद। तो ये आध्यात्मिक जगह में नहीं होता है, कृष्ण के नित्य स्वरूप है किशोरावस्था में हमेशा के लिए, लेकिन जब भौतिक जग प्रकट हो जाता है तब उनका जन्म होता है, अविवाह तिथियां मनाता है, जन्मोत्सव मनाता है। लेकिन ये तो उनके दिव्या जन्म है, और इसके बाद असुर के बाद जो होता है इस भौतिक जग में होता है, इसका नाम है नैमित्तिक लीला। ये सब होता है जब भौतिक जगत में प्रकट है। और वैसे ही तो कृष्ण की ठाकुर जी की सेवा के भी दो प्रकार की सेवा है, नित्य सेवा जो प्रतिदिन होता है और जब कभी कभी होता है, ये है नैमित्तिक सेवा। जिसे हम भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाता है और इसके बाद झूलन उत्सव मनाता है, लेकिन प्रतिदिन नहीं होता है, कभी कभी होता है। जन्मोत्सव एक बार मनाता है साल में, भद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। तो और झूलन यात्रा भी एक बार मनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये श्रवण मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि से बलराम पूर्णिमा तक। लेकिन कोई जैसे ब्रज में इससे पहले भी शुरू होता है, वास्तव में शास्त्र के अनुसार भी ये झूलन उत्सव शुरू होता है शुक्ल पक्ष के श्रवण मास के तृतीय तिथि शुरू होता है पूर्णिमा तक। लेकिन प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी अपने मंदिर में मठ में एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक मनाते थे, तो इसके अनुसार हम भी चलता है। तो ये नैमित्तिक सेवा है। तो जैसे मंदिर में होते घर पे भी मना सकता है, लेकिन तो सरल विधि से होता है मंदिर में। तो इसलिए यह है कि मंदिर में तो गुरु के आदेश के अनुसार सेवा होता है और जो उनके प्रतिनिधि है, और वैसे ही घर पे भी तो भगवान तो गुरु के आदेश अनुसार उनके प्रतिनिधि के अनुसार तो सेवा करना चाहिए। ऐसे करते हुए हम आगे जा सकते भक्ति मार्ग में, कृष्ण भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और हम आगे जा सकते हैं भक्ति मार्ग में। तो एक दूसरा नाम है ठाकुर जी की सेवा के संबंध में पंचांग पूजा। पंचांग पूजा तो ये भी महत्वपूर्ण है, मतलब पूजा जिसे हम कहते हैं ये पुजारी है पूजा कर रहा है, तो लेकिन विशेष पूजा है तो मंगलाती के बाद, इसके बारे में ये काल बताएंगे। लेकिन दूसरा ये जो पंचांग पूजा ये दिखाने के लिए कि शिव आरती मतलब शिव अगरबत्ती घुमाना है और ऐसे करके दीप दिखाना है ठाकुर जी को, ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन अच्छा तरह से करना है। इसलिए उल्लेख किया है कि पंचांग पूजा इसके पंच अंग है पूजा के। सबसे पहले अभिगमन, अभिगमन मतलब सुबह उठ के क्या करना है, ठाकुर जी की सेवा करने से पहले हमको क्या करना है, घर पे हो या मंदिर पे हो। तो सुबह उठ के क्या करना है, आप क्या करते हैं प्रभु जी, क्या नाम है आपके? हाँ
थोड़ी। अच्छा सुबह उठ के क्या कर रहा है? सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं उठ के? या प्रभु जी क्या कर रहे हैं उठ के? क्या फ्रेश हो जाना? फ्रेश हो जाना, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक तरस और करना चाहिए। हाँ जी, मंगलाचरण। हाँ, सबसे पहले गुरु गौरांग कृष्ण को प्रणाम करना है, या पृथ्वी देवी को भी प्रणाम कर सकता है, जैसे सर्व भक्त सर्व विधि से कर रहा है। ये जो ब्राह्मण जो है जो मंदिर में सेवक कर रहे हैं, बहुत सारे मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उसी समय जो श्लोक जो मैंने बताया गुरु वे गौर चंद्राया, ये उसी समय उच्चारण कर सकता है, या जाय कर भी कर सकते, जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद, जय गोनिताय, जय कृष्ण ब्रह्म, जय राधे श्याम। तो सबसे पहले प्रणाम करके उज्जना है, तो बैठ के या नीचे प्रणाम करके, तो लेकिन लेते हुए ना ही प्रणाम करना है, कम से कम बैठ के तो प्रणाम करना चाहिए गुरु गौरांग कृष्णा, मंत्रोच्चरण करके, इसके बाद दंत दावना दांत साफ करना है, इसके बाद शौचालय जाना, इसके बाद स्नान। तो ये मतलब यह है कि उठ के भगवान का स्मरण करना है, और ये भी है इसलिए गुरु वे गौर चंद्र है पहले गुरु को, क्योंकि वास्तव में भी गुरु के बिना, गुरु की कृपा के बिना अच्छे तरह से भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए और विशेष करके कलयुग में सबसे पहले गुरु को, इसके बाद गौरांगा जो पतित पावन है तू तावतार। कलयुग में सब लोग प्रायः शूद्र के समान है, कलाउ शूद्र संभव शास्त्र के अनुसार, क्योंकि आजकल लोगों को ना मालूम है और ना करते अच्छा तरह से, अलग अलग संस्कार जो होता है, तो इसलिए गुरु के पास जाना है और इसलिए उनका स्मरण करना है, तो और उठ के गुरु गौरांग कृष्ण का स्मरण करना है, इसके बाद दूसरे क्रिया जो होता है करना है, और विशेष करके स्नान के समय, तो आजकल भी देख सकते हैं कोई भी ब्राह्मण हो स्नान के नहाने के समय मंत्रोच्चारण करता है, ओम पवित्र पवित्र वा सार्वस्तम करो विवा या स्मरित पुंदरी कक्षम साबायर सूचे है। सो ये मंत्रोच्चारण कर सकता है, अगर जद मंत्र नहीं सीख सकता है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्रोच्चारण कर सकता है। तो इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनना है, तत्पश्चात ठाकुर जी के पास जा सकता है, अभिगमन अभी मंदिर की ओर जाना है, ठाकुर जी की सेवा के लिए तैयार होना, तो मतलब भगवान का स्मरण करते हुए तैयार हो जाना, इसके बाद ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। तो ये अभिगमन है संक्षेप में, और इसके बाद तो जब मंदिर में है और तो तैयार है ठाकुर जी सेवा करने के लिए, तो कुछ मतलब जैसे जागरण सेवा होता है ठाकुर जी, पहले सेवा जागरण सेवा है, सुबह जगाना को भगवान को घर पे भी हो, तो मंदिर में तो सुबह तो ठाकुर जी जगाने के लिए कुछ विधि है, जैसे उनके हाथ और पैर चरण कमलों धोना है जल से, इसके बाद भोग लगाना है ठाकुर जी को, सुबह मंगल भोग है हमारे मंदिर है मैं ये खीर और रसगुल्ला रसमलाई बर्फी संदेश अर्पण कर रहे हैं मंगल आरती से पहले, घर पे मुश्किल होगा इतना अर्पण करना, तो लेकिन यथासंभव अगर कुछ मक्के मिश्री दे सकते अति अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये भी मुश्किल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम मंगल आरती तो करने ही है घर पे भी,
अगर मंदिर के पास रहता है तो कम से कम घर पे आपने ठाकुर जी को जगाना है और प्रणाम करके ये समझते हुए कि हमारे ठाकुर जी घर पे और मंदिर में वास्तव में एक ही है। हाँ, तो कालिदेश पत्र के अनुसार सेवा करना है। और तो मंदिर में मंगलाती तो मतलब ये, लेकिन तो थाली चाहिए, भोग थाली चाहिए। इसके बाद तो भक्त लोग पहले से एक दिन से पहले मिठाई बनाता है। तो पुजारी जो जो सबसे पहले सेवा कर रहा है, सुबह जागरण सेवा कर रहा है, इसके बाद जो चाहिए उनको तो एकत्रित करता है। ये इसका नाम है उपदान। उपदान जो हम ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे तैयार करना, जैसे आरती की थाली इसमें फूल भी रखना है, अगरबत्ती, दीप बत्ती, और इसके बाद पानी, रुमाल, ये सब तैयार करना, इसका नाम है उपदान। और जैसे दूसरे समय पूजा के 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 समय भी इसमें ज़्यादा द्रव्या है, और जैसे राजभोग में भी वहाँ पर दो सब्जियाँ हैं, तीन चार सब्जियाँ हैं, इसके बाद चावल, दो प्रकार के चावल इत्यादि सब तैयार करना, इसका नाम है उपदान। और जैसे सब्जी भी खरीदना, चावल खरीदना, सब ले आना है और इसके बाद तैयार करना, इसका नाम है उपदान। तो जो ठाकुर जी की सेवा में लगाता है उत्तम श्रेणी के होना चाहिए। उत्तम श्रेणी के चावल लेना है, उत्तम श्रेणी की सब्जियां, फल इत्यादि, और अच्छा भाव से बनाना है। जिससे मतें जो रसोई में है, तो भगवान का स्मरण करते हुए और प्रवचन सुनते हुए या कृष्णा महामंत्र के उच्चारण करते हुए और विशेषकर के श्रीमती रानी का स्मरण करते हुए भोग बनाना है, क्योंकि इसमें सबसे निपुण इसमें है श्रीमती रानी। ये प्रतिदिन सुबह नंद बाबा में जाती है, वहाँ पर उनके सहेलियों के साथ है, उत्तम श्रेणी के भोग तैयार करती है कृष्ण को अर्पण करने के लिए। तो रानी के स्मरण करते हुए जब कुछ बनाता है घर पे तो ये तो अच्छा रहेगा। इसके बाद जब सब तैयार है तो लगाने के लिए, तो सेवा करने से पहले, ठाकुर जी की सेवा करने से पहले, उनके जागरण, उनके जगाने से पहले भी शुद्धिकरण के लिए अचमन करना है। तो दो प्रकार के अचमन है, एक साधारण अचमन है। तो पानी लेना है, शुद्ध जल जो होता है, अगर गंगा जल, शुद्ध गंगा जल हो सर्वोत्तम है। अगर नहीं है तो पुजारी लोग मंत्र के माध्यम से पवित्र पवित्र नदी बुलाता है, गंगे चाय, यमुना चाय, व गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु कावेरी, जलेश्वरी, सरिदेम करो। तो जब कोई अच्छे तरह से भजन करता है तो बुला सकता है पवित्र नदी। और इससे तो हम आचमन कर रहे हैं शुद्धिकरण के लिए। हमने सुना, बहुत बार सुना है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, हम भगवान के दास है। लेकिन एक चीज़ है ज्ञान प्राप्त करना है, दूसरे है विज्ञान अनुभव करना। तो पूर्ण रूप से, अब यहाँ पर कोई है जो पूर्ण रूप से अनुभव किया है कि मैं शरीर नहीं हूँ अपितु आत्मा हूँ? कोई है यहाँ पर जो पूर्ण रूप से अनुभव किया है आत्मा के वस्त्र पे कोई स्थित है? यहाँ पर दुर्लभ है ना। तो ज्ञान प्राप्त किया, बहुत बार सुन लिया, लेकिन प्रतिदिन सेवा करने से पहले जो भी सेवा, अब पुजारी अगर एक दो तीन बार उनको सेवा करना है मंदिर में और घर पे भी वास्तव में, तो सेवा करने से पहले शुद्धिकरण के लिए आचमन करना है। तो दो प्रकार के आचमन है, सरल भक्त के लिए साधारण आचमन, और जो बड़े मंदिर में सेवा कर रहा है तो बड़े पुजारी के उनके विशेष आचमन है। तो सरल विधि से, तो
आज में पत्रा है, इससे पानी लेता है बाएं हाथ से और दाएं हाथ में देता है, और पानी लेने से पहले मंत्र बोलना है, ओम केशवाय नमः, तब पानी लेना है, ओम नारायणाय नमः, तब पानी लेना है, ओम मधवाय नमः, इसके बाद थोड़ा सा पानी और लेना है, पूरे शरीर के ऊपर देना है पानी। ऐसे करते हुए तो संभावना है कि हम आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकता है, लेकिन इसके बाद रहने भी है। बहुत बार सुन लिया, मालूम है हम शरीर नहीं है, लेकिन जब आगे नहीं है तो लगभग ज़्यादा समय तो देहात में बुद्धि है, और फिर भी सोचता मैं तो बड़ा ये हूँ वो हूँ। भक्त होते हुए भी, सन भजन करते हुए भी देहात में बुद्धि भी है, अहम ममेति, मैं और मेरा, लेकिन ये चोरना है, हम तुच्छ है। उस आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचना है, जीवेर सोपोई कृष्णेर नित्य दास। इसके बाद दूसरा मंत्र भी है जो पुजारी उच्चारण करता है, ओम तद विष्णु परम परम साधा पश्यंति सूर्य हो इत्यादि, ओम मधवो मरवो वाची मरवो मरवो रिद्धि, बहुत सारे मंत्र हैं। तो शुद्धिकरण के लिए जिससे इसमें बिल्कुल आध्यात्मिक अवस्था पे स्थिर हो जाता है और रह सकता है, तो घर पे तो ज़्यादा मंत्र उच्चारण करना मुश्किल है, लेकिन कम से कम शरण आचमन उच्चारण करना है। इसके बाद गुरवे गौर चंद्राया मंत्र उच्चारण कर सकता है, या वंदे हम श्री गुरु सीयुत पद कमलम इत्यादि, तब ठाकुर जी की जगन सेवा कर सकते, भोग लगा सकता है, और इसके बाद मंगल आरती कर सकता है। क्योंकि कृष्णा तीनों गुण से परे है, अगर हम उनकी सेवा करना चाहते हैं तो हम आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचना है और रहना है, तब वास्तव में उनकी सेवा कर सकता है। भौतिक शरीर से कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता है, आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचना है तब उनकी वास्तव में उनके वास्तविक सेवा कर सकता है। तो इसलिए प्रतिदिन आचमन करना है, शुद्धिकरण के लिए अलग अलग मंत्र उच्चारण करना है, और जब पूजा होता है उसी समय ठाकुर जी की स्पर्श करते हैं, उनकी अभिषेक होता है, श्रृंगार सेवा, उसी समय शुद्धिकरण के लिए और भी मंत्र है, काल बताएंगे। और तो सेवा जो भी होता है, जैसे भोग लगाना है, भोग लगाने की विधि है, तो प्रभुपाद सरल विधि उन्होंने बताए थे कि क्या करना है। तो भोग बनाते हुए ठाकुर जी के सामने रखना है, इसके बाद गुरु प्रणाम मंत्र अर्पण करना है, जैसे प्रभुपाद अपने गुरु के प्रणाम, इसके बाद प्रभुपाद के प्रणाम, इसके बाद महाप्रभु नम महावदन्य या कृष्ण प्रेम प्रदायते इत्यादि, और कृष्ण के लिए नाम ब्राह्मण देव या गो ब्राह्मण ताय चा, ये वास्तव में ये प्रणाम मंत्र है। लेकिन शुरुआत में प्रभुपाद पश्चात देश में और यहाँ पर भी, क्योंकि लोगों को अच्छे तरह से नहीं मालूम है कि कैसे करना है वास्तव में ठाकुर जी की सेवा, इसलिए सरल विधि से उन्होंने बताए थे कि कैसे करना है। लेकिन बाद में भी प्रभुपाद ने शिष्य को बताए गए थे कि अब जैसे गौड़िया मठ में या रणरमान मंदिर, वहाँ से सीख सकता है कि कैसे अच्छे तरह से सेवा करना है, और इसके बाद तो हमारे भक्त लोग भी तो अलग अलग किताब प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया है कि कैसे ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए विधिवत पूर्वक। तो जैसे अगर हम प्रसाद के लिए जा रहे हैं घर पर हो मंदिर में हो, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ कम से कम हाथ साफ है, हाथ साफ होना चाहिए, और जो ब्राह्मण जो है जो सब कुछ शस्त्रकर्म कर रहा है तो पैर भी धोता है, पैर धोते हुए इसके बाद हाथ तो धोते हुए इसके बाद तो बैठ जाता है, और इसके बाद भी कभी कभी तो मंत्र भी उच्चारण करते हैं, और हम भी महाप्रसाद गोविंद उच्चारण करते हैं, तब जब तैयार है तब ग्रहण करते हैं प्रसाद। तो भगवान को
भोग लगाने के विधि भी है। इसमें सबसे पहले आसन प्रदान करता है, इसके बाद उनके चरण कमलों भी धोता है और हाथ और मुंह धोने के लिए भी पानी देता है, हस्त मुख प्रक्षालनम। और जैसे हम अचमन कर रहे हैं पूजा से पहले, और जो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वैष्णव जो भी है, ये स्वस्थ अध्याय से पहले और ठाकुर जी के पहले तो अचमन कर रहा है, लेकिन स्वस्थ अध्याय से पहले भी, गायत्री जप करने से पहले भी और प्रसाद पाने से पहले भी अचमन कर रहा है। तो वैसे ही भगवान को अचमन देता है, इदम अचमनियम, अचमन देने के लिए ठाकुर जी को पानी देता है। इसके बाद तो बैठ जाता है ठाकुर जी, और एक बार और तो शुद्ध भाव से तो प्रयास किया पुजारी भोग बनाने के लिए, किंतु फिर भी क्योंकि मन बहुत चंचल है, और कभी कभी ये भी होता है कि दूसरे लोग भी आ जाता है और देखते हैं, हो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब्जी और हलवा, और इसके बाद इच्छा भी हो जाता है कि हमको ये ग्रहण करना है, लेकिन अगर ठाकुर जी को दिया ना है तो अपराध हो जाता है। इसलिए तो जब रसोई में तैयार किया है, जो रसोई में है पुजारी, लेकिन इसके बाद पुजारी आ जाता है दूसरे भोग लगाने के लिए, और जब तो ठाकुर जी के चरण कमलों उनके धोने के लिए पानी दिया है और अचमन करके भी, इसके बाद रग दिया है भोग, इसके बाद इसके ऊपर प्रोक्षण कर रहा है जल से, शुद्ध जल से, और मंत्र भी उच्चारण करता है, और इसके बाद जो दीक्षित है भगवान के मूल मंत्र उच्चारण भी करता है, जिससे शुद्ध, एकदम शुद्ध हो जाता है, जिससे आध्यात्मिक बन जाता है जो बनाया है। तो हर प्रकार देखना, हर समय देखना है कि एकदम सब साई ढंग से बनाया हुआ है, और विधिवत पूर्वक लगाना है, जिससे भगवान ग्रहण करे जो हम अर्पण कर रहे हैं भोग। और मंत्र भी अर्पण करने के लिए, जैसे सुबह भोग के समय इदम नैवेद्यम या इदम अन्न व्यंजन पनियादिकम सर्वम समर्पयामि, कृष्ण को कहता है मैं अभी आपको ये अन्न, ये जैसे चावल चपाती इत्यादि व्यंजन सब्जियाँ, पानी जल इत्यादि, मिष्ठाना मिठाई, मैं भी आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो मंत्र भी है, और तो यहाँ पर यह कि मंत्र उच्चारण करते हुए और जब अच्छे तरह से सर्वभजन करता है तो भाव सहित तो अर्पण या प्रेम से अर्पण करना है। तो ये तीसरा है। तो सबसे पहले अभिगमन, इसके बाद उपदान, इसके बाद शुद्धिकरण के लिए योग तीसरा है। तो अचमन करके, अलग अलग मंत्र उच्चारण करके तब सेवा कर सकता है, ये योग है। तो मतलब भगवान से जोड़ना है, आध्यात्मिक अवस्था हुए पहुँचते हुए भगवान से जोड़ सकता है। वास्तव में संबंध कृष्ण के साथ नित्य है, लेकिन माया के प्रभाव से हमको अभी नहीं मालूम है हमारे वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ क्या है, लेकिन है, लेकिन आच्छादित है, क्योंकि जीव दबद जीव सुप्त रूप में है। लेकिन जागरूक करने के लिए भजन करना है, वो गुरु की कृपा से समझ सकता है धीरे धीरे कि हम शरीर ना या अपितु आत्मा है, हम कृष्ण के दास है, और आगे जाते हुए तो अपना स्वरूप भी अनुभव कर सकते हैं, और तब अच्छे तरह से आदान प्रदान होता है भगवान के साथ। तो हर बार जब सेवा करता है पुजारी, अचमन करता है, अलग अलग मंत्र उच्चारण करता है, तब सेवा करता है। तो ये योग भगवान से जोड़ना है मंत्र के माध्यम से अचमन करके। और इसके बाद चौथा पंचांग में चौथा अंग है इज्जा। इज्जा दूसरा नाम ठाकुर जी की सेवा। जो भी सेवा होता है इज्जा कहलाता है। सुबह उठ के, मतलब सुबह के, ये सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा जागरण सेवा है, उनको जगाना है। इसके बाद मंगल आरती, इसके बाद पूजा इत्यादि, और दोपहर के समय राजभोग आरती, तत्पश्चात चायन सेवा ठाकुर जी के,
इसके बाद फिर से सेवा होता है, 4 बजे भोग लगाना है, जगाना है ठाकुर जी, भोग लगाना है, आरती करना और संध्या भोग और आर्थिक शयन भोग एवं आर्थिक, और इसके बाद फिर से शयन सेवा सुबह लेकर रात तक। तो विधिवत पूर्वक गुरु के आदेश अनुसार सेवा करना है, तो इसका नाम इज्जा है। और इसके बाद तो और बताएंगे इसके बारे में। पांचवा अंग जो है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अपना जो शास्त्र का अध्ययन और गुरु से श्रवण करते हुए कैसे आगे जाना है भक्ति मार्ग में, कैसे ठाकुर जी की सेवा करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके भाव सेवा। तो ये जब अच्छे तरह से भगवान के बारे में श्रवण नहीं करता है और जन नहीं पढ़ता है, तब वस्तु में तो साई भाव नहीं आएगा और अच्छे तरह से सेवा नहीं होगा। इसलिए इसमें दिया गया है स्वाध्याय महत्वपूर्ण है। जो अच्छे तरह से सदन भजन करता है ये अच्छे तरह से सेवा कर सकता है। जब भजन ठीक से नहीं होता है ठाकुर जी की सेवा नहीं होगा अच्छे तरह से। और जैसे दूसरे के साथ अच्छे तरह से व्यवहार करना है, जो आगे है हमसे गुरुजन के पास जाना है, उनकी सेवा करना है, उनसे पूछताछ करना है कि कैसे आगे जा सकता है, तो विशेष करके उनके सन्निध्य में रहना है या उनके आदेश अनुसार भजन करना है, तब अच्छे तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। और जो अपने स्थान पर है, जो हमने अनुभव किया है, दूसरे को बताना है और आदान प्रदान होता है, मित्र के साथ प्रसाद मिलता है, दूसरे को देता है, और गृहस्थ के जो अगर किसी का जन्मदिन है तो वहाँ पर जाता है, कुछ उपहार देता है, जब हमारे दिन आएगा तब हम भी मिलता है कुछ उपहार, तो आदान प्रदान होता है। इसके बाद जो हमसे छोटे हैं तो उनके प्रति स्नेह और उनके दया भाव और उनको सहायता करना, जिससे वे आगे जा सकते हैं भक्ति मार्ग में, तो ऐसे करते हुए हमको रहना है। और तब जब अच्छे तरह से रहता है, अच्छे तरह से भजन करते हैं, दूसरे के साथ रहता है, तो जीव दोया और दूसरे के जो भक्ति मार्ग में नए हैं, दूसरे को बताना है कि वास्तव में हमको भजन करना है। जब साई बाब है तब अच्छे तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। इसलिए इसमें उल्लेख किया है कि ये स्वाध्याय महत्वपूर्ण है, और कलयुग में विशेष करके अच्छे तरह से जप करना है महामंत्र के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वास्तव में जो नाम कीर्तन ये युग धर्म है और भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, नाम कीर्तन जप एवं कीर्तन। लेकिन अगर ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहा है, अगर शुद्ध वैष्णव के सन्निध्य में ना है और उनके वाणी के अनुसार भजन नहीं कर रहा है और जब शास्त्र का ध्यान नहीं कर रहा है, तो नाम करते हुए भी आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर सिर्फ कोई महामंत्र उच्चारण करता है, इसके बाद भौतिक जगह में रहते हुए अपने कार्य कर रहा है, भगवान के बारे में श्रवण नहीं करता है, तो भौतिक चीज़ के बारे में तो श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो भजन अच्छा नहीं रहेगा, ठाकुर जी की सेवा अच्छा नहीं होगा। और ऐसे करते हुए भी तो जप अच्छे तरह से नहीं होगा। तो अच्छे तरह से जप करने के लिए ठाकुर जी की सेवा भी करना है, भगवत श्रवण करना है, शुद्ध वैष्णव के संग में रहना है, और वैसे ही ठाकुर जी सेवा करने के लिए अच्छे तरह से जप करना है, भगवान के श्रवण करना है, भगवान के बारे में कृष्ण क्या कर रहा है ना, उनकी सेवा जब कर रहे हैं महा कृष्ण के या राधे कृष्ण के, हमको थोड़ा सा जानकारी लेना है कृष्ण क्या कर रहा है सुबह दोपहर के समय शाम के समय या महाप्रभु के बारे में, जैसे कृष्ण को क्या अच्छा लगता है खाने में, जैसे अलग अलग फल है, कृष्ण के प्रिय फल, सबसे प्रिय फल कौन सा है कृष्ण के, कौन बता सकता है? मैंगो नहीं,
Chiku, huh? Sunapele, Rajavidya, isliye. हाँ चीकू कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए आगे बार अगर ठाकुर जी है कृष्ण घर पे लड्डू गोपाल हो राधा कृष्णा तो अगर चीकू देखता है मंदिर में तो जरूर करना है और कृष्ण को खिलाना है चीकू उनको बहुत अच्छा लगता है और महाप्रभु कौन से फल महाप्रभु के क्या आम नहीं केला केला कृष्ण महाप्रभु केला को अच्छा लगता है तो वास्तव हाँ आम कृष्ण को भी अच्छा लगता है और महाप्रभु को भी अच्छा लगता है लेकिन सबसे प्रिय फल है कृष्ण महाप्रभु के ये केला है तो जब केला देखता है और अगर गोनीता है घर पे तो जरूर केला करना है और भगवान को महाप्रभु को अर्पण करना है और राजानी को क्या फल अच्छा लगता है राजानी के क्या अरबी ये तो सब्जी है फल के बारे में बताता है सीताफल ना है आलू पुकारा हाँ आलू पुकारा प्लम हाँ राजानी को बहुत अच्छा लगता है ये ज़्यादा नहीं मिलता है लेकिन जैसे उसी समय तो वो हिमाचल प्रदेश में मिलता है यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलता है लेकिन वहाँ से भी ले आता है कभी कभी इसमें सितंबर अक्टूबर में मिलता है लेकिन ज़रा समय ना है लेकिन अगर देखता है तो जरूर करना है रानी को अर्पण करना है और बलराम को कौन सा फल हनी मधु को अच्छा लगता है लेकिन फल नहीं है ना फल के बारे में बताता हूँ जामुन फल बलराम को अच्छा लगता है तो और इसके बाद तो जैसे महाप्रभु को सब्जियाँ को अच्छा लगता है जैसे पालक और ये अलग अलग सब्जियाँ और कृष्ण को और क्या अच्छा लगता है तो आपको मालूम है मिठाई जैसे मक्खन मिश्री और लड्डू गोपाल के हाथ में क्या है लड्डू है ना इसलिए कहता है लड्डू गोपाल इसमें देख सकता है लड्डू है हाथ में तो कृष्ण को लड्डू को खिलाना है मक्खन मिश्री और रबरी उनको भी अच्छा लगता है मालपुआ तो हाँ जैसे अलग अलग जैसे हमारे मंदिर में तो मंगलभोग में पांच प्रकार के मिठाई है तो बर्फी कृष्ण को भी अच्छा लगता है लेकिन दूसरी मिठाई जैसे संदेश क्योंकि महाप्रभु भी है यहाँ पर महाप्रभु को संदेश भी अच्छा लगता है और महाप्रभु भी ये रघुनाथ दास को स्वामी जो को प्राप्त किया था महाप्रभु को गोवर्धन शिला तो आशुर से उनके अभिषेक किए थे ये उत्तम श्रेणी की सेवा है ठाकुर जी ये अभिषेक करना है अगर आंखों से मतलब आंखों के निकल गए जो आशुर जो होते हैं जब प्रेम से सेवा कर रहा है तो आशुर से तो ये अत्युत्तम है लेकिन शुरुआत में तो संभव नहीं है, है ना तो लेकिन महाप्रभु ने किया आशुर से गिरिराज के अभिषेक इसके बाद कुछ समय के बाद उनको दिया था रंगनाथ दास को स्वामी उनको भी बोल दिया किससे उनकी सेवा करना है सरल विधि से तो ये गंगा जल से इसके बाद उनको प्रतिदिन संदेश महाप्रभु को अच्छा लगता है संदेश इसलिए उनको भी बोल दिया है गिरिराज उन्होंने भी बोला कि गिरिराज ब्रजेंद्र नंदन सक्ष ब्रजेंद्र नंदन है कृष्ण ही है तो उनको संदेश अर्पण करना है प्रतिदिन तो कृष्ण को भी अच्छा लगता है संदेश और महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है संदेश और रसगुल्ला रसमलाई तो मंगल आरती से पहले पांच प्रकार के मिठाई अर्पण करता है इसके बाद अभिषेक के बाद ठाकुर जी के उसी समय जब पूजा के बाद फिर से उसी समय मिठाई अर्पण करना है और फल और काजू किशमिश इत्यादि ड्राई फ्रूट्स भी अर्पण कर सकता है जैसे हमारे मंदिर में पांच प्रकार फिर से मिठाई अर्पण कर रहा है और पांच प्रकार के फल और इसके बाद बाल्य भोग मतलब प्रातः भोग आधे बजे हमके नाश्ता है इसमें भी तो सब्जी है खिचड़ी है चपाती है और
वहाँ पर हलवा हलवा अर्पण कर रहा है और एक विशेष मिठाई प्रतिदिन एक दूसरे मिठाई भी बनाता है, जैसे संदेश प्रतिदिन सुबह लगाता है और बर्फी, लेकिन एक विशेष मिठाई कभी कभी बादाम बर्फी, कभी कभी काजू बर्फी, और इस उस और शरीर ऋतु में ये तिल के खोआ तिल खोआ बर्फी लगाता है, तो नाश्ता में तो हलवा और एक मिठाई, और दोपहर के समय उसी समय तो दो चावल एक पुष्पाना है और एक सफ़ेद चावल, इसके बाद दाल चार प्रकार की सब्जियां और कभी कभी पंच भी है, चटनी पकोड़ा या समोसा चपाती चटनी भी, और उसी समय खीर अर्पण कर रहा है और फिर से रसमलाई और रसगुल्ला और एक विशेष मिठाई बादाम बर्फी या काजू बर्फी, और 4 बजे फिर से फल लगाता है और केक कुकीज लगाता है हमारे मंदिर में, और शाम संध्या भोग चावल 3 प्रकार के सब्जी पकौड़े फिर से हलवा एक मिठाई और पूरी, तो और रात को दूध और एक बार और हलवा और एक सब्जी और पूरी। तो कृष्णा आत्माराम है, अब तक काम है तो हमेशा संतुष्ट है, लेकिन भाव ग्राही जनार्दन भी है, जो हमारे भाव जो है ये भी ग्रहण करता है, और जो भी जिसके पास भाव है तो कृष्ण को खिलाना चाहता है, जैसे छोटे बच्चा है और माँ को भी मालूम है उनको कुछ खिलाना है, ऐसे करते हुए तो बड़े हो जाता है तो 1-2-3 बार कुछ देता है, लेकिन जो कृष्ण के परिकार जो है उनके पास तो ज़्यादा प्रेम है, तो हर समय कृष्ण को कुछ देना चाहती है यशोदा माँ, इसलिए मंदिर में 7 बार भोग लगाता है मंदिर में, बड़े मंदिर में, घर पे तो संभव नहीं है, घर पे तो यथासंभव भोग लगाना है, और ये भी वहाँ पर कि कालिदेश पत्र के अनुसार जो बच्चे को भी अच्छा लगता है तो ये बनाना है, इसके बाद भोग लगाना है ठाकुर जी को, लेकिन मंदिर में जो कृष्ण को अच्छा लगता है ये लगाना है, लेकिन घर पे ये भी देखना है बच्चे को क्या अच्छा लगता है, प्रभु जी को क्या अच्छा लगता है, सास ससुर को क्या अच्छा लगता है, ये भी बनाना है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा घर पे। तो ये कालिदेश पत्र के अनुसार घर पे देखना है, और कृष्णा तो भगवान है लेकिन सर्वशक्तिमान है, और लेकिन बहुत विनम्र है और सरल भी है, और घर पे उनको मालूम है कि स्थिति मालूम है उनको कि ये उनको ये चाहिए उसको वो चाहिए, इसलिए जो भी कुछ खिलाता है अगर भाव से प्रेम से खिलाता है तो ग्रहण करता है, ठीक है चलो कोई बनाए, लेकिन मंदिर में जो उनको अच्छा लगता है ये बनाना है और ये ग्रहण करता है। तो भगवान तो कृष्णा तो बहुत दयालु है, और वास्तव में हम तो ब्रज में प्रवेश करना है ना, ब्रज में किसको ब्रज में प्रवेश करना है, गोलोक या कोई वैकुंठ जाना चाहता है, ज्यादा ना कोई नहीं है ना, ब्रज में गोलोक में प्रवेश करना है या गौरलीला में प्रवेश करना है, तो ये है कि जब ठाकुर जी की सेवा कर रहा है तो जैसे अगर मान लीजिए अगर कहीं पर जाता है कोई, और इसके बाद तो सबसे पहले नए कंपनी में जाता है कोई, इसके बाद जो नए लोग जो आता है पहले देखता है कि कैसे कर रहा है, और तो एक ट्रेनिंग है, इसके बाद जब अच्छे तरह से करता है तो ठीक है 2-3 महीने के बाद या 1 साल के बाद ठीक है अभी तो सीख लिया सब कुछ, अभी पूर्ण रूप से एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, वैसे अभी एक प्रकार के ट्रेनिंग है यहाँ पर जो ठाकुर जी की सेवा होता है, ऐसे कहते हो जब हम करता है तो भगवान देखता अच्छा अच्छे तरह से तो सीख लिया है, इसके बाद तो प्रवेश कर सकते लीला। और पौपर ने भी बोला है
अगर कोई अच्छा तरह से सीख लिया है और कर रहा है तो आचरण सिद्धि प्राप्त होते हैं, तो मतलब भगवान का साक्षात स्वरूप अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि कृष्णा प्रभुपाद ने भी बोला कि कृष्ण जो दिल में है, कृष्ण जो अच्छा विग्रह के रूप में है, और कृष्ण जो गोलोक में है, और जो कृष्ण नाम में है, ये अभिन्न है। तो लेकिन दिल में है तो, लेकिन दिल में तो किसने अनुभव किया है? कृष्ण दिल में अनुभव किया है? कोई कोई देखता है कृष्ण अपने दिल में? कठिन है। जब आ गया है तो देख सकता है। प्रेम अंजन चुरी भक्ति विलोचन न संतान सदैव हरिदेश विलोक यंति यम श्याम सुंदरम चिंत गुणा स्वरूपम गोविंद मारी पुरुषम तम हम भजामी। जिनके पास प्रेम है, प्रेम से देखता है, प्रेम से सुनता है, बोलता है, सेवा कर रहा है, जो भगवान के साक्षात स्वरूप अनुभव कर सकता है, दिल में, सामने, कान में, जीभ पे। लेकिन अगर उस वस्त्र पर नए है तो ठाकुर जी की सेवा करना मंदिर में और यहाँ पर प्रकट है पूर्ण रूप से। लेकिन जो अच्छे तरह से जिनके पास भाव है और सेवा कर रहे हैं, ये तो अनुभव कर सकते, ये तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। ऐसे करते करते सेवा तो अनुभव कर सकता है, और नाम कीर्तन करते हुए भी अनुभव कर सकता है कि कृष्ण कृष्ण नाम बिना है, तब लीला में प्रवेश कर सकता है। और यह कि जो जब सिद्ध वस्त्र पर पहुंचता है इस जगत में अभी भजन करते हुए, तो तुरंत गोलोक नहीं जा सकता है, पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पर कृष्ण की लीला है, एक ब्रह्मांड में जहाँ पर कृष्ण के प्रकट लीला है। तो जब सिद्ध वस्त्र पर है, इसके बाद शरीर छोड़ने के बाद वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर कृष्ण लीला है। इसके बाद तो जब नित्य सिद्ध परिकार के संग में है तब सीख सकता है कि कैसे कृष्ण की सेवा करना है। तो लेकिन ठाकुर जी की सेवा तो जब गुरु दीक्षा गुरु हो, शिक्षु गुरु हो, जब उनके अनुगत्य में सेवा कर रहे हैं, भाव सेवा कर रहे हैं, तो तब अच्छे तरह से आगे जा सकते भक्ति मार्ग में और अच्छे तरह से भजन कर सकता है। इसलिए ये रूप गोस्वामी उन्होंने भी बोला है, 64 भक्ति के अंग है, 64 भक्ति के अंग है। सबसे पहले अंग कौन सा है? क्या? श्रवणम गुरुपाद आश्रय, गुरु के पास जाना है। जब उनके पास है और जब भजन कर रहा है तब आगे जा सकता है, तब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम हो सकता है। तब पांच प्रकार के पांच महत्वपूर्ण भक्ति के अंग है, साधु संग, भगवत श्रवण, धाम वास, प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा एवं नाम कीर्तन। तो इनमें से नाम कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जब उत्तम अवस्था पे नए है तो तब साधु के संग में रहना है, तब भी तो उनके मुखरविंद से भगवत श्रवण करना है और ठाकुर जी की सेवा भी करना है, तब अच्छे तरह से आगे जा सकता है, तब अच्छे तरह से जप कर सकता है। जब ठाकुर जी की सेवा कर रहा है तो आदान प्रदान होता है, उसके बाद तो जब जप कर रहा है तो भगवान का स्मरण कर सकता है, अन्यथा मुश्किल है। जैसे कि कोई पुजारी है और घर पे भी, अच्छा तो काल के लिए तो मुझे क्या खरीदना है, फल या सब्जियाँ, इसके बाद इसके बारे में सोचता है, और जब के समय भी सोच सकता है, आज मैंने तो ना काल मैंने ये तैयार किया है, आज मैं ये तैयार करूँगा कृष्ण के लिए। और अभी जन्माष्टमी तिथि आने वाली है तो नए पोशाक खरीदना है ठाकुर जी के लिए, कुछ नए ज्वेलरी लेना है, तो ये सब आ जाएगा भाव में, भावना में जब ठाकुर जी है। तो इसलिए ठाकुर जी की से बहुत महत्वपूर्ण है और सबके लिए है।
सो ब्रह्मचारी के लिए भी, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी। और इसके बाद ये जो ब्राह्मण, ये तो जरूर करेंगे ठाकुर जी की सेवा, लेकिन राजा भी हो वास्तव में उनको भी ठाकुर जी की सेवा करना है। जैसे पृथ्वी महाराज सम्राट है, लेकिन इसके लिए वे प्रसिद्ध है, अच्छे तरह से ठाकुर जी की सेवा करते थे। इसके बाद ये अम्बरीश महाराज, ये भी सम्राट है, और ये प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करते थे। कभी कभी हम देखता है दानवीय पुरुष है और कोई पार में है, और इसके बाद ये मंदिर भी बनवाता है, इसके बाद पुजारी रखता है, और ये सिर्फ मंदिर में तो जाता है, प्रणाम करता है, लेकिन कोई सेवा नहीं कर रहा है। लेकिन उदाहरणार्थ के लिए अम्बरीश महाराज ये सम्राट है, राजा के राजा, तो वे प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। और एक उप पुराण में उल्लेख भी किया है, तो उन्होंने मतलब पहले के समय अगर तो राजाओं के पास काफ़ी पैसा था और योग्य था, तो उनके पास कभी कभी दो या चार या पांच पत्नियां थी, तो उनके पास लगभग 18-19 पत्नियां थी। इसके बाद एक और कन्याओं के पास पहुंच गए और निवेदन किया है आपसे, तो आप तो योग्य पुरुष हैं, और ये भी ना है कि अब राजा तो है, सम्राट है, योग्य है, तो मेरी इच्छा से कि आपसे आपके साथ रहूं पत्नी के रूप में। और ये भी बात तो उन्होंने बोला, मैं तो सम्राट हूँ और मेरे पास तो 18 या 19 पत्नियाँ थी, तो उन्हें बोला तो उन सबके पास महल भी उन्होंने दिया, सबको दिया था। उन्हें बोला मैं सम्राट हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ और अभी और शादी करने की कोई मतलब नहीं है, तो दूसरे के पास जाओ। तो उन्हें बोला नहीं नहीं, और अंत में तो उन्हें बोला ठीक है, लेकिन ज़रा समय नहीं दे सकता हूँ आपको, कोई बात नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि आप सिर्फ सम्राट नहीं है और योग्य पुरुष है, लेकिन आप भगवान के भक्त है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे लोग है जो दानवीय पुरुष है और योग्य भी हो, लेकिन भक्त नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करना है। तो उन्हें बोला ठीक है चलो, और विवाह किया है विधिवत पूर्वक। इसके बाद तो राजा ये सम्राट अम्बरीश महाराज ज़्यादा समय दिया नहीं, तो दिया तो था, लेकिन जब 20 पत्नियां हैं तो कितना समय दे सकता है, सम्राट है। और ये विशेष बात कि पहले सुबह ठाकुर जी की सेवा करते थे और दोपहर के समय मंत्री गणों के पास आते थे, ये समस्या वो समस्या, इसका समस्या का हाल निकलना है, और रात को थोड़ा सा समय दिया पत्नियों को, शायद एक दिन एक पत्नी के पास गए, कभी कभी तो एक बार महीने में या दो बार महीने में उनके दर्शन मिलते थे। तो एक बार भी पूछा मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, ये जो अंत में आई, तो सम्राट ने बोला कि कोई सेवा करना जरूर नहीं है, आप उनको भी महल दिया था रहने के लिए। उन्होंने बोला कि मुझे मालूम है कि आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं सुबह। उन्होंने बोला हाँ, अम्बरीश महाराज ने बोला हाँ मैं सेवा कर रहा हूँ ठाकुर जी के, तो कृपा करके मेरे को भी थोड़ा सा सेवा दे दीजिए, मंदिर में आजन जो भी हो। तो उन्होंने बोला उदाहरण के लिए नहीं, मुझे कुछ करना, मुझे खुद करना है, मैं स्वयं करूँगा सब सेवा। छोटा सा मंदिर था और लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे करना है क्योंकि भजन तो करना है, इसके बाद जो विधिवत पूर्वक ये वर्णाश्रम के अनुसार भी चलना है, सम्राट है, गृहस्थ हो,
लेकिन भजन जरूर करना है। उन्होंने मन किया है मैं खुद करूँगा, तो फिर भी उनकी इच्छा थी और उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी की सेवा भी मुझे भी करना है। जैसे करके जब नाने के लिए गायन अम्बरीश महाराज सुबह पवित्र नदी जो पास में था तो वे ना के तो वे मंदिर की भजन करती थी और वहाँ पर के वहाँ पर बगीचे से फूल भी तोड़ दिया और वहाँ पर रख दिया फूल और तुलसी। इसके बाद चले गए तो एक दो तीन दिन देखा अच्छा कोई यहाँ पर आ रहा है मंदिर की भजन कर रहा है और फूल भी और तुलसी भी तोड़ते और रखता है, ये क्या है। इसके बाद अगले दिन चौथा या पांचवा दिन तो स्नान लाने के लिए तो गए, लेकिन उन्होंने सोचा मुझे अभी देखना है कौन है। तो वहाँ पर नदी की ओर चले गए लेकिन इसके बाद रुक गया और वापस आए देखने लिए कौन सेवा कर रहे हैं वहाँ पर। और देखा ये कि उनके रानी जिन्होंने अभी उनके साथ विवाह किया था, तो इसके बाद उन्होंने बोला ये तो मेरी सेवा है क्यों कर रही है। लेकिन उन्होंने बोला लेकिन ये सबके है ना अधिकार है ठाकुर जी सेवा करने के लिए और मेरी इच्छा है। तो उन्होंने बोला ठीक है तो एक काम करेंगे आपके महल पे वहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर की स्थापना करेंगे और ठाकुर जी स्थापित करेंगे आप वहाँ पर सेवा करेंगे। उन्होंने बोला मान लिया ठीक है जो आप बोलता है जो करना चाहता है तो ठाकुर जी की सेवा मुझे करना है यहाँ पर हो या अपना महल में कोई बनाए है तो इसे भी किया है। तो मतलब यह है कि सबको सेवा करना चाहिए ठाकुर जी के। और इसके बाद क्या हो गया था बहुत सुंदर ये अम्बरीश के बारे में भगवान की लीला है। तो इसके बाद तो ये पत्नी तो अच्छे तरह से किए थे सेवा ठाकुर जी के। और इसके बाद राजा ये सम्राट की अम्बरीश महाराज के स्वप्न में आया अपना ठाकुर जी और उन्होंने बोला कि देखो आप ठीक से सेवा कर रहे हैं बहुत सालों से अच्छा है मैं तो संतुष्ट हूँ, लेकिन जो आपकी पत्नी जो अभी उनको अभी मंदिर भी बनवाया है और स्थापित किया है अभी वहाँ पर ठाकुर जी मेरे दूसरे रूप जो सेवा वो जो वो कर रही है ये अत्युत्तम है आपको एक बार देखना है कि कैसे सेवा कर रही है। तो इसके बाद वहाँ पर गए क्योंकि ठाकुर जी स्वप्न में आया और वहाँ पर देख लिया कि कैसे कर रही है सेवा। और इसके बाद तो प्रतिदिन लगभग वहाँ पर भी गए अम्बरीश महाराज देखने के लिए और बात करते करते कि कैसे सेवा कर रही है किस भाव से। तो दोनों को भगवान को अच्छा लगा। इसके बाद दूसरे रानियाँ तो सुन लिया कि अभी राजा ये तो उनके पास जाती है जो अभी उनकी विवाह हुए हुआ तो शिकायत की किया अम्बरीश को कि ये क्या बात है अभी उनसे विवाह किया है और रोज रोज उनके पास जाते हैं मेरे पास नहीं जाता है नहीं आता है। तो उन्होंने बोला सब बताया कि स्वप्न तो आया हमारे ठाकुर जी मेरे स्वप्न बोल दिया कि वह अच्छे तरह से सेवा कर रही है इसलिए वहाँ पर जाता हूँ भगवान के देश का पालन करता हूँ। तो दूसरे पत्नियाँ भी उसी समय उनको बोल दिया अम्बरीश को कि ठीक है ऐसी बात है तो हमको भी ठाकुर जी चाहिए तो हमारे महल में भी मंदिर की स्थापना कीजिए और ठाकुर जी स्थापित करने हम भी सेवा करेंगे। तो सब उनके दूसरे एक तो बहुत सुंदर ये भगवान की लीला है। तो वास्तव में यह है कि सबको ठाकुर जी की सेवा करना है ऐसे करते हुए हम आगे जा सकते हैं भक्ति मार्ग में। और तो और आदान प्रदान होता है ऐसे करते हुए जब आगे जाता है तब नाम कीर्तन करते हुए भी तो आदान प्रदान
होगा क्योंकि कृष्णा जो गोलोक में है, कृष्णा जो मूर्ति में है, जो दिल में है, जो नाम है अभिन्न है, लेकिन शुरुआत में ठाकुर जी की सेवा जरूर करना है। तब नाम करते हुए भी अनुभव कर सकता है कि कृष्ण कृष्ण नाम अभिन्न है। तो सेवा भाव होना चाहिए, सेवा वृत्ति होना चाहिए। इसके बाद सेवा करते हुए आदान प्रदान होता है भगवान के साथ। हाँ, तो इसलिए तो ठाकुर जी की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है और तो विधिवत पूर्वक करना है। ये मंदिर में विशाल रूप से होता है, ऐश्वर्यपूर्ण सेवा होता है, लेकिन वहाँ पर भी भाव होने चाहिए। लेकिन घर पे सरल विधि से होता है, लेकिन भाव के साथ ठाकुर जी की सेवा करना है। हरे कृष्णा। अच्छा, कोई प्रश्न है? माइक्रोफोन है और कोई प्रश्न है? माइक्रोफोन है, उनको दे दीजिए वहाँ। हरी बोल, वहाँ पर उनको दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत अच्छा सेशन रहा। मेरा प्रश्न है प्रभु जी, प्रभुपाद जी को फ्रूट में और सब्जी में क्या पसंद है? क्या? प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद प्रभु जी को, प्रभुपाद जी को, श्रील प्रभुपाद जी को, हाँ 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 हाँ, फ्रूट में और सब्जी में ये क्या पसंद है? अच्छा, प्रभुपाद को क्या अच्छा लगता है? ये सबसे पहले जो कृष्ण को अच्छा लगता है, कृष्ण के भक्त को भी अच्छा लगता है, तो चीकू भी अच्छा लगता है, केला भी अच्छा लगता है। इसके अलावा आम, आम लगभग सबको अच्छा लगता है, आम। ठीक है, हाँ, थैंक यू फॉर। हरे कृष्णा। सजन, यू कैन सी इफ यू कैन कम हियर वन सेकंड। हाँ, और प्रश्न है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, एक मिनट। हाँ जी, प्रभु जी, भगवान को रात को भोग लगाने के लिए जनरली क्या गाय का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है? क्या है भगवान को रात में शयन आरती के बाद, भगवान को, भगवान को शयन के बाद रात को दूध का भोग लगाने के लिए तो गाय का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता? ये जनरली अमूल, अच्छा, गाय का दूध नहीं है, अमूल का पैकेट, अमूल का पैकेट। अच्छा, क्या करे, वो तो कलयुग में तो शुद्ध दूध और घी और मधु मिलना मुश्किल है, लेकिन यह है कि भाव तो होने चाहिए, है ना? तो मतलब अगर शुद्ध गाय का दूध नहीं मिलता है, जो भी मिलता है तो अर्पण कीजिए, तो फल मिलेंगे। ठीक है, क्या करें? क्योंकि आजकल तो गाय रखना, पहले सब सब लोग के पास गाय था, ब्राह्मण के पास भी एक दो गाय, क्षत्रिय भी रखते थे गौशाला, और वैश्य के तो काम को तो है, और शूद्र भी रखते थे एक दो गाय, लेकिन आजकल मुश्किल है। अगर शहर में रहता है कैसे कैसे रख सकते गाय, और इसके बाद शुद्ध गाय का दूध मिलना मुश्किल है। भैंस का भी मिलता है और मिक्स और भी बना हुआ भी कुछ पाउडर, क्या करें? लेकिन कालिदेश पात्र के अनुसार, लेकिन भाव, इसलिए भाव होना चाहिए। ठीक है, जो भी अगर शुद्ध गाय का दूध मिल सकते हैं अति उत्तम, अगर नहीं मिल सकता है तो जो भी दूध मिलता है तो अर्पण कीजिए, हे भगवान ये दूध है, क्या करे, कलयुग में है, शुद्ध हो या ना शुद्ध ना हो, लेकिन आपको अर्पण कर रहा हूँ, और आशा है कि अगले जन्म एक स्थान पे जन्म ले सकते हैं जहाँ पर शुद्ध गाय मिल सकता है और आप और आपको अर्पण कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के अकॉर्डिंगली लड्डू, क्या गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के अकॉर्डिंगली लड्डू गोपाल जी की सेवा करना कितना ऑथेंटिकेटेड? लड्डू गोपाल अगर उनकी सेवा करना है, ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में है तो इष्ट देव महाप्रभु है या राधा कृष्णा, लेकिन यह है कि महाप्रभु तो वास्तव में गोपी भाव देने के लिए आया है, लेकिन महाप्रभु सब भाव भी देता है, और जैसे कृष्ण भी,
और अलग लेसन आए कि अभी इसको जो हमारे आंदोलन में है ये सिर्फ जिनके लिए है जो गोपी बाब में है, सनाए है। कोई लोग भी होंगे जो वत्सल्य बाब में है, कोई भक्त लोग होंगे जो सख्य बाब में है, कोई भक्त लोग होंगे जो दस्य बाब में होंगे, और ये भी है कि कोई रामचंद्र के भक्त यहाँ पर भी आ गया है हमारे आंदोलन में। मुझे मालूम है एक दिल्ली में, एक मुंबई में कोई भक्त है जो बिल्कुल ये सीताराम के भक्त है, और जैसे महाप्रभु की लीला में भी आप देख सकता है, जैसे जो मुरारी गुप्ता रामचंद्र के भक्त थे, और इसके बाद रूप सनातन के चौथे के भाई अनुपम ये भी रामचंद्र के भक्त थे, और इसके बाद वैकुंठ भक्त भी आ सकता है। तो वैसे ही किसी के पास वत्सल्य भाव है तो ये भी इस हमारे आंदोलन में, वास्तव में हमारे आंदोलन सबके लिए है, वैकुंठ भक्त भी हो। और महाप्रभु की कृपा से तो नाम कीर्तन करते हुए महाप्रभु की कृपा से वैकुंठ लोग जा सकते हैं, अगर कोई वत्सल्य भाव में है ये भी हमारे आंदोलन में तो वत्सल्य भाव मिल सकता है। और गुरुजन जो उत्तम श्रेणी के हैं जिनके पास गोपी भाव है, लेकिन जिनके पास गोपी भाव है कभी कभी उनके पास भी ये इसमें सब कुछ है गोपी भाव में, तो गोपियों के पास कभी कभी वत्सल्य भाव भी है प्रकट हो जाता है, कभी कभी सख्य भाव और कभी कभी दस्य भाव। उनको भी मालूम है हम कृष्ण के दास है, रानी भी कहती है मैं एक दासी हूँ, कृष्ण की दासी हूँ, लेकिन उनके स्थाई भाव है ये हम कृष्ण के ही है, और ये कृष्ण मरा है प्रियतम है। गोपी भाव ये तो श्रेष्ठ ये है, लेकिन कभी कभी वत्सल्य भाव भी प्रकट हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे उत्तम श्रेणी के वैष्णव जो गुरुजन जो है सब भाव दे सकता है कृष्ण की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से। तो इसलिए अगर किसी के पास तो बचपन से लाडू गोपाल है तो इसलिए चौनो जोरन आए है, लाडू गोपाल की सेवा कीजिए। और वैसे ही बच्चे के लिए तो खेलना चाहता है तो अगर लाडू गोपाल है खेल में भी सेवा कर सकता है लाडू गोपाल के, तो कर सकते कोई बात नहीं है। और बाद में जब अच्छा तरह से सन्मान कर रहा है शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में, जो ब्रज के भक्त है, जो भावुक भक्त है, जो रसिक वैष्णव है, जब उनके संग में है तब अपना जो वास्तविक भाव कृष्ण के साथ जो संबंध है धीरे धीरे प्रकट होगा, जल्दी ना आए, समय लगेगा। पहले समझना चाहिए कि हम शरीर ना या अपितु आत्मा है और कृष्ण भगवान है, इसके बाद भजन करते 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 धीरे धीरे तो अपना जो संबंध जो है वास्तविक संबंध कभी कभी धीरे धीरे प्रकट हो जाएगा। जो जैसे गोपियाँ के स्वभाव मेरे को अच्छा लगता है, ये दूसरे जो सख्य भाव में है ये गोप जो सुदाम श्रीदाम के भाव उनका अच्छा लगेगा, जो वत्सल्य भाव में होंगे जो यशोदा माँ नंद बाबा के भाव उनका अच्छा लगेगा, इसके बारे में श्रवण करना की इच्छा प्रकट हो जाएगा। ये है, इसलिए कोई समस्या नहीं है, लड्डू गोपाल की सेवा भी कर सकता है। हाँ जी, जगन्नाथ को क्या पसंद है? अच्छा खाजा, खाजा है ना मिठाई जो है, खाजा जगन्नाथ को अच्छा लगता है। खिचड़ी भी, हाँ हाँ जी, कटल कटल सब्जी महाप्रभु की भी अच्छा लगता है, कटल सब्जी। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, आज आपने इतना शेयर किया हम सब के लिए। तो प्रभु दो तीन क्वेश्चन है तो पूछ सकता हूँ प्लीज? जरूर। थैंक यू। तो एक तो हम जब ऑफरिंग करते हैं डीटीज को तो कितनी देर तक? अच्छा, ये है कि देख लीजिए अगर सुबह ये पूजा के बाद तो अगर कुछ फल अर्पण कर रहे हैं तो छोटा सा थाली है, अगर थोड़ा सा फल है और एक मिठाई है तो 5 मिनट के लिए रख सकता है। और मान लीजिए जैसे आपको किन्ने समय आपको लगेगा, अगर थोड़ा सा फल है एक मिठाई 2-3-4-5 मिनट लगेगा, लेकिन है ना दोपहर के समय एक सब्जी है, मतलब एक चावल है, 3-4 सब्जियां है, दाल है, चपाती है, और इसके बाद खीर है जब उत्सव मनाता है, तो इसी समय कितना समय लगेगा? 15-20 मिनट लगेगा।
वैसे ही ठगु जी को अगर दोपहर के समय एक चावल दाल और दो तीन सब्जियां अर्पण कर रहा है तो कम से कम 10-15 मिनट देना पड़ेगा उनको खाने के लिए, ठीक है? ये भाव सेवा है। और फिर जो हम वस्त्र जब डीटीस को तैयार करते हैं, जब डीटीस को तैयार करते हैं सुबह में, तो वस्त्र हम पहनते फिर निकाल देते, तो क्या वही वस्त्र फिर हम वापस से पहन सकते हैं शाम को या दूसरे दिन? नहीं है कि अलग अलग वस्त्र होने चाहिए ठाकुर जी के लिए। जैसे हमारे पास जैसे देख लीजिए, तो हमने ये पहन लिया ये कपड़ा आज, इसके बाद हम सो जाता है, इसके बाद अगले दिन स्नान करने के बाद दूसरे कपड़े पहनते हैं ना, ये सिर्फ एक दिन के लिए पहनता है। लगभग जो ब्राह्मण जो है, जो कपड़े जो हम पहनते हैं कॉटन के, सिर्फ एक दिन के लिए पहनता है, इसके बाद धो लेता, अगले दिन धोता है, तो अगले दिन के लिए दूसरे कपड़े होने चाहिए, है ना? और इसके बाद शादी ऋतु में तो ज़्यादा समय। तो लेकिन प्रभु क्या होता है कि जैसे डीटीस तैयार करते हैं तो हम धोती और कुर्ता पहनते, फिर जैसे डीटीस की सेवा सब खत्म हो गई तो हम फिर निकाल देते कपड़े, तो कपड़े शाम को और अगले दिन हाँ। नहीं है कि आपके पास जैसे हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी के लिए अभी लगभग 80 पोशाक है, अलग अलग पोशाक 80 दिन के, और मतलब इतना भी रात के पोशाक है, तो प्रतिदिन दूसरा पोशाक देता है। घर पे इतना तो जरूरत नहीं और संभव भी नहीं है, लेकिन कम से कम घर पे 7 या 8 सेट होने चाहिए कपड़े के। और हर बार जब अभिषेक होता है ठाकुर जी के, दूसरे कपड़े देना है। और ये भी जैसे मंदिर में विधि है, जैसे सोमवार सफ़ेद है या लाल कपड़े, मंगलवार नीला, इसके बाद बुधवार पीला या हरा, और गुरुवार भी पीला या हरा, शुक्रवार अलग अलग रंग, शनिवार गहरे रंग हरा या नीला, और रविवार ये उज्जवल रंग के, जिससे उज्जवल पीला या ऑरेंज रंग के, और जैसे अमावस्या के दिन काले रंग के लीला के अनुसार भी है, और पूर्णिमा तिथि सफ़ेद रंग के कपड़े, और एकादशी तिथि भी एक प्रकार के कपड़ा, ये गुलाब लाल सफ़ेद एवं सिल्वर। तो यह है कि प्रतिदिन दूसरे कपड़े देना है ठाकुर जी को, तो कम से कम 6-7 सेट रखना चाहिए ठाकुर जी के लिए। तो अभिषेक के बाद दूसरा वस्त्र देना है ठाकुर जी को, ठीक है? ये जरूरत है ये। लेकिन कभी कभी रोज रोज नहीं, मान लीजिए अगर मंदिर में प्रतिदिन बदलना है कपड़ा, और रात को भी बदलता है, सुबह और रात को दो बार अलग अलग पोशाक, लेकिन घर पे मुश्किल होगा। और कभी कभी प्रतिदिन नहीं कर सकता है तो एक हफ्ते के बाद कर रहा है या हर एकादशी, लेकिन वस्त्र में हर हफ्ते तो करना चाहिए। लेकिन अगर संभव नहीं है तो सरल विधि से पूजा होता है, कल इसके बारे में और बताएंगे कि कैसे करना है, वस्त्र में क्या करना, अगर नहीं कर सकते क्या अर्पण करना है ठाकुर जी को, ठीक है? और हरे कृष्ण, ठीक है हाँ। हरे कृष्ण, एक सिंपल क्वेश्चन था कि डीटी ड्रेसिंग तो हम लोग रोज करते हैं, वी आर चेंजिंग द ड्रेसेस फॉर द डीटीज डेली, बट नॉर्मली दे आर रिपीटिंग आफ्टर फ्यू डेज, तो रिपीट करने के टाइम उनका कुछ वस्त्र शुद्धिकरण कुछ करना पड़ेगा? नहीं नहीं, यह कि हाँ, तो अलग अलग कपड़ा है ठाकुर जी के, लेकिन कपड़े जो होता है इसमें भी तो कपड़े के ऊपर कुछ वर्क भी हो गया है, मतलब ये बहुत इसमें तो डेकोरेटेड है कपड़े, तो ये दोनों संभव नहीं है ज़्यादा समय। तो इसलिए क्या करना है, तो जब भगवान का अर्पण किया है इसके बाद उतारता है अगले दिन, तो एक हफ्ते के बाद फिर से लगाता है, तो ये थोड़ा सा पानी से थोड़ा सा इसमें जल दे सकता है, लेकिन दोनों जरूरत नहीं है। ठाकुर जी के कपड़ा हमेशा शुद्ध है माने जाता है, लेकिन अच्छे तरह से रखना है जिससे कलुषित ना हो जाए। अगर किसी चीज़ गिर जाता है कभी कभी जब भोग लगाता है, और अगर कुछ दाल इसके ऊपर गिर जाता है तो ड्राई क्लीनिंग के लिए दे सकता है, अगर कोई अच्छा ड्राई क्लीनर है।
और अगर घर पे भी अगर अच्छा ड्राई क्लीनर ना है तो खुद भी धो सकता है, लेकिन ज़्यादा धोने से तो खराब हो जाता है जल्दी पोशाक, इसलिए और जरूर भी ना है जब अच्छा तरह से रखता है। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रवचन के लिए। तो प्रभु जी, प्रश्न ऐसा था कि जैसे राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन भगवान और गौर निताई विग्रह है और साथ में गिरा जी, तो एक ही प्लेट में उनको भोग लगा सकते हैं क्या? हाँ, यह कि घर पे तो ठाकुर जी की सेवा सरल विधि से होता है। जैसे मान लीजिए मंदिर में गोनीता जगन्नाथ बलदेव और राधा कृष्ण है, तो गोनीता के लिए कम से कम एक प्लेट है या दो, जगन्नाथ बलदेव के लिए एक प्लेट या तीन हो, राधा कृष्ण के लिए एक या दो हो, लेकिन घर पे तो इतना खाना ज़्यादा समय संभव नहीं है, तो एक प्लेट भी रख सकता है। और इस भाव से कि मतलब क्योंकि सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ महाप्रभु कृष्ण जगन्नाथ वास्तव में आप बिना है बिना भी है, लेकिन सर्व विधि से मतलब घर पे काले देश पत्र के अनुसार एक थाली भी रख सकता है और भाव में कि अभी ये प्रसाद तो एक प्लेट गोनीता मन में कि जो हमने प्रस्तुत किया है एक तो गोनीता के लिए होगा, एक जगन्नाथ बलदेव सुब्र के लिए और एक राधा कृष्ण के लिए होगा, लेकिन सिर्फ एक प्लेट लगी मन में अपन करना है उनके लिए अलग से, तो क्योंकि शायद मुश्किल है तीन प्लेट बनाने के लिए, लेकिन अगर कर सकते तो अच्छा है। जैसे मेरे घर पे भी ठाकुर जी है तो महाप्रभु ये गोनीता हो इसके बाद राधा कृष्ण, तो जैसे मेरे घर पे तीन प्लेट है तो लेकिन सबके के घर पे उनके लिए संभव नहीं है इतना करने के लिए, अगर पुजारी नहीं है तो मुश्किल है, वो काम करने के लिए जाना है और इसके बाद घर का देखभाल करना है, इसके बाद ये वो करना है, तो उसी समय सरल विधि से होता है तो एक प्लेट से भी हो जाता है काम, तो इसलिए भाव से करना पड़ेगा घर पे काले देश पत्र के अनुसार यथासंभव जो अच्छा तरह से हम कर सकते ये करना है। अगर अगर और अगर सबके लिए एक प्लेट रख सकता है खरीद सकता है और बन सकता है और ठीक है, लेकिन अगर संभव ना है तो एक प्लेट से भी हो जाएगा, एक थाली से हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो प्रभु जी, दूसरा प्रश्न और है कि जैसे शिल प्रभा जी को हम और भगवान को एक प्लेट और प्रभा जी को एक प्लेट ऐसा, हाँ, भगवान के एक और प्रभा जी के भी प्रभुपाद के लिए, हाँ, प्रभा जी के लिए रखा जाता है ना। ये है कि सबसे पहले जैसे तो प्रभुपाद आचार्य के स्वरूप में है, इसके बाद ये समझना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे प्रभुपाद हो जैसे गौर लीला में जो प्रभुपाद जो हमको मालूम है हमारे संस्थापक आचार्य उस रूप में गौर लीला में नहीं है, उनके अलग रूप है। इसके बाद कृष्ण लीला में है निकुंज यून और रथ के लिए सीधा या यली भी युक्तिर अपेक्षा निया तो गोपी के रूप में है, लेकिन हम तो अनुभव नहीं किया है हमको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे ही है। इसलिए अच्छा तरह से सीखना है कि कैसे ठाकुर जी की सेवा करना है, काल इसके बारे में और बताएंगे, लेकिन गुरु हमको मालूम होना चाहिए हमारे जो सामने जो है आचार्य के स्वरूप है, लेकिन उनके रूप गौर लीला में है, उनके रूप कृष्ण लीला में है, जैसे रूप गोस्वामी है, जैसे यहाँ पर इस भौतिक जगत में प्रकट हुए रूप गोस्वामी के रूप में, लेकिन गौरलीला में भी रूपा के रूप में है, उसी समय हमेशा जैसे महाप्रभु यौवावस्था में है, इसके बाद रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में है, राधारानी के सहेली है, रूप मंजारी है, तो जब भोग लगाता है इस भाव से कि गुरु जी है प्रभुपाद और यह है कि गौर लीला में है और कृष्ण लीला में है, जो राधा कृष्ण प्रसाद पाने के बाद तो सब सखियाँ सहेलियाँ मंजरियाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे और गौर लीला में भी महाप्रभु पाने के बाद दूसरे परिकार प्रसाद पाएंगे, तो इस भाव से अर्पण करना है पहले महाप्रभु को या जगन्नाथ को, इसके बाद राधा कृष्ण को, इसके बाद भाव में कि इसके बाद उनके पाने के बाद तो ये सख्या प्रसाद ले लेंगे और गौर लीला में भी, और अंत में गुरु परंपरा को अर्पण कर सकते वही प्रसाद, ऐसे करना चाहिए। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ठीक है माता जी, अभी प्रभु जी के लिए तो समय समाप्त हो गया. और प्रश्न है तो काल पूछ सकता है. अभी माता जी के और एक दो प्रश्न का उत्तर दे देंगे, इसके बाद काल और पूछ सकता है. हाँ जी. हरे कृष्ण. हमारे घर पर राधा कृष्ण डेटीज है. आपके घर राधा कृष्ण है? राधा कृष्ण. तो कब कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि उनको रात को सुलाना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी नित्य लीला, रात को सुलाना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी नित्य लीला चलती है. और हमारा भाव ऐसे होता है कि वो पूरा दिन मतलब थक जाते हैं तो उनको सुलाना चाहिए, तो पता क्या करना चाहिए? हाँ, यह है कि ठाकुर जी मंदिर में भी देखिए, मंदिर में तो शयन आरती के बाद वस्त्र बदलता है, इसके बाद लगभग 9:30 और गर्मी ऋतु 10 बजे उनकी शयन सेवा होता है. ये करना है घर पे भी. जब आप सो जाते हैं तो उसी समय सोने से पहले तो ठाकुर जी की शयन सेवा करना है. इसके बाद जो ये कर रहेंगे आपके, इसके बारे में चिंता करने जरूरत नहीं है आपको, ये अपने बात चले जाएंगे. जैसे है ना कृष्ण लीला में भी यशोदा माँ नंदा बाबिया सो जाता है और सब लोग सो जाता है, लेकिन कृष्ण उठ जाता है. ये भी पहले ऐसे कर रहे हैं, ठीक है मैं सो जाता हूँ, सो जाते बलराम भी सो जाता है. और जब सब सो गया इसके बाद कृष्ण उठ जाता है. और यहाँ पर भी चौकीदार भी है, लेकिन ये भी सो गया चौकीदार. जैसे यहाँ पर लगभग भी हर समय चौकीदार रात को भी सोता है. तो इसके बाद कृष्ण उठ जाते हैं और चले जाते हैं, और राधा रानी भी चले जाती है. तो इस भाव से कि, और वैसे ही हमको तो सो जाना है, हम उत्तम अवस्था के नहीं हैं, हमको 5 घंटे कम से कम तो चाहिए रात को. इसलिए शयन सेवन करके हमको सो जाना, इसके बाद शयन करके ये भी उठ जाते हैं, अपने आप उठ जाता है कृष्ण और राधा रानी और सहेलियाँ और चले जाती है. इसके बाद चिंता करने जरूर ना है. तो रात को शयन सेवा करना है मंदिर में एवं घर पे. और लेकिन दिन के समय तो मंदिर में क्योंकि सेवा है ना, तो मतलब ये राजभोग पते हुए इसके बाद मंदिर की सफाई होता है, पुजारी की आराम के मामला है, इसलिए ठाकुर जी की सेवा भी वहाँ पर भी तो शयन सेवा होता है 2 घंटे के लिए. लेकिन घर पे ये जरूरत नहीं है क्योंकि वास्तव में रात को भी राधा कृष्ण नाइस होता है दिन के समय महाप्रभु भी. तो इसलिए घर पे दोपहर के समय शयन सेवा करना जरूरत नहीं है, लेकिन मंदिर में करना है. लेकिन रात को शयन सेवा आपको करना है क्योंकि वास्तव में यह कि रात को भी जैसे लगभग 1 बजे हो या 1:30 बजे तो राधा कृष्ण भी उनके शयन लीला है. लेकिन आपको जल्दी करना है क्योंकि हमको सो जाना है और हम इतना 1:30 बजे तक हम नहीं सेवा कर सकता है. इसलिए घर पे भी तो मतलब उनकी शयन सेवा करना है. और इसके बाद जो करना चाहता है ये करेंगे राधा कृष्ण, कोई चिंता नहीं है. ठीक है, लेकिन दिन में जरूर ना है, लेकिन रात को शयन सेवा आपको करना है क्योंकि भाव भी होना चाहिए, भी सो जाना है राधा कृष्ण. इसके बाद जो करना चाहता है ये तो कर सकते, अपने आप करेंगे. ठीक है. हरे कृष्ण. धन्यवाद. और हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, हाउ कैन वी प्रायोरिटाइज अवर साधना एज वेल एज डीटी वर्शिप, बिकॉज दोनों ही मॉर्निंग में रहता है, डीटी वर्शिप भी और साधना भी. हाँ हाँ हाँ. तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं? कैसे बैलेंस कर सकता है ठाकुर जी की सेवा और अपना साधन भजन? अच्छी, हाँ प्रश्न अच्छा है और ज़रूरत है. यह है कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए जिससे हम दोनों कर सकते हैं. और लेकिन कभी कभी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर तो प्रयास कर रहा है तो कृष्ण भी बुद्धि देता है जिससे आप दोनों कर सकता है. जैसे हमारे भी नियम है तो कि ये कम से कम 16 माला करने से पहले, ठाकुर जी की सेवा करने से पहले हम कुछ नहीं लेता है, प्रसाद नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता है. तो जल्दी होता है सुबह, जैसे 3:45 बजे इसके बाद मंगल आरती के लिए जाना है, इसके बाद जप करना है. उसके बाद अगर मंदिर में भी सेवा है तो ज़्यादा जप नहीं कर सकता है. लेकिन अगर प्रयास कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ये भी होता है और कर सकता है. तो सालों मतलब हर दिन प्रतिदिन करते करते तो
तो निपुण हो जाता है और जल्दी ठाकुर जी की सेवा भी कर सकता है, और इसलिए तो सब सेवा भी कर सकता है तो और जब भी कर सकता है जब निपुण हो जाती है। तो शुरुआत में 5-7 मिनट लगता है एक माला करने के लिए, लेकिन अगर बहुत सालों से किया है निपुण हो जाता है तो इससे जल्दी भी जब कर सकता है, 4.5 या 4 मिनट में भी कर सकता है या 5 मिनट में। तो सेवा करने से पहले कुछ जप कर सकती है, अगर 16 माला संभव ना है तो कम से कम 8 या 10 माला कीजिए, इसके बाद ठाकुर जी की सेवा कीजिए। तो जब प्रतिदिन कर रहा है तो निपुण हो जाता है, तो दोनों भी हो सकता है। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अभ्यास करते करते सेवा करते करते हो जाता है, और जब मतलब दृढ़ विश्वास है और जब अच्छे तरह से प्रयास कर रहे हैं भगवान सहयोग भी देता है जिससे हम दोनों कर सकता है। मॉर्निंग में हमें कितना समय लगाना चाहिए प्रॉपर पूजा अर्चना? पूजा में तो मिनिमम आपके घर पे कौन है, क्या क्या कौन से ठाकुर जी? केवल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, अच्छा ठीक है, और कोई दूसरी मूर्ति नहीं है? नहीं। लेकिन चित्रपट हाँ फोटो है ठाकुर जी के? डीटीज हैं बट वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है हमें। अच्छा, में मिले कोई बनाई है सीनरी? लेकिन महाप्रभु की फोटो भी है या गौरनिताई के? हाँ, गौरनिताई और नरसिंह देव। हाँ, यह है कि मतलब यह है कि तो उनका अभिषेक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, जगन्नाथ शिव जी के वस्त्र बदलते हैं? अभी तो केवल एकादशी पे बदल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आधे घंटे में तो हो सकता है ना पूजा आराम से? तो आधे घंटे ज्यादा समय नहीं है। तो अभी हमें किसी ने बोला था कि केवल 5 चीज से कर सकते हैं, अगरबत्ती, दिया और हाँ गंध। हाँ, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। अब प्रतिदिन अगर बदल नहीं सकते कपड़े तो 5 उपचार, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये पर्याप्त है। और जब बिना जो प्रतिदिन कर रहा है तो जल्दी में हो जाते, आधे घंटे में आराम से कर सकती है। तो प्रभु जी, कभी कभी मंगल आरती नहीं, कितने बजे तक अगर हम घर पे हैं तो? हाँ जी, मंगल आरती कितने बजे तक कर सकते हैं? लाइक मंगल आरती ऐसा मन में रहता है कि मंगल समय में पहले चैंटिंग कंप्लीट कर ले। अच्छा, तो डीटीज तो हाँ, ये ठाकुर जी मंगल आरती कर सकते हैं मंदिर में तो 4:30 बजे है, लेकिन घर पे तो यथासंभव कालिदेश पत्र के अनुसार अगर पहले जप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और 6 बजे भी मंगल आरती कर सकते हैं घर पे, कोई बार नहीं है, पहले जब कर सकते इसके बाद मंगल आरती। लेकिन जो ठाकुर जी जो है वास्तव में तो उठ के जब तैयार है तो उनकी जागरण सेवा करना है, क्योंकि कृष्ण या महाप्रभु ज्यादा नहीं सोता है। लेकिन उनके जागरण सेवा के बाद आप जब कर सकते हैं, इसके बाद मंगल आरती भी कर सकते हैं, कोई बार नहीं है, 6 बजे तक 6:30 बजे तक मंगल आरती भी कर सकते, कोई दोष नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रतिदिन मंगला टीका ना, इसके बाद उनकी पूजा करना है, भोग लगाना है, इसके बाद तो जप करते हुए भी, इसके बाद शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन करना है, इसके बाद प्रसाद लेना है, नाश्ता लेना है, ठीक है। ठीक है, एक और प्रश्न माता जी यहाँ पर पीछे, इसके बाद दूसरा प्रश्न कल। एक क्वेश्चन, तो हमारे जो ठाकुर जी है ना राधा कृष्ण, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हमने, नहीं किया पर हम रोज सेवा करते हैं कि एवरीडे उनको अभिषेक करना। अच्छा। उनको ऑफरिंग करना, हाँ। वस्त्र चेंज करना, रात को उनको नाइट ड्रेस पहन के सुलाना, वो सब कुछ मतलब जैसे इंस्टॉलेशन के बाद जो करते हैं वो सब कुछ करते हैं, तो इंस्टॉलेशन होना चाहिए अभी भी, मतलब अभी भी कर सकते हैं? यह कि कितने साल से कर रही है सेवा? सेवा 2-3 साल से। 2-3 साल से, हाँ। मतलब यह है कि जब शुरू किया है और प्रतिदिन कर लिया है तो धीरे धीरे प्रकट हो जाता है भगवान बिना प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन अब प्रतिदिन सेवा कर लिया है श्रद्धा के साथ तब धीरे प्रकट हो जाता है, और जब प्रेम से सेवा कर रही है तो प्रकट हो जाता है, अपने आप प्रकट हो जाता है भगवान। लेकिन अब महसूस कर रहा है कि वो शायद एक शुद्ध वैष्णव बुलाना है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, ये भी कर सकते हैं,
लेकिन लगभग अगर अच्छे तरह से सेवा होती है तो प्रकट हो जाता है भगवान। प्राण प्रतिष्ठा में मतलब क्या प्रोसीजर क्या होता क्या है? डीटी इंस्टॉलेशन की प्रॉपर प्रोसीजर क्या होती है? क्योंकि वैष्णव ऐसे तो प्रोग्राम्स बहुत हुए हैं कि मतलब अभिषेक किया, सबको बुलाया वैष्णव, वो सब मतलब किया हुआ है, पर जैसे मंदिर में लेके जाके वहाँ पे कुछ विधि होती है या ऐसा कुछ नहीं किया? ये अच्छा, घर पे वैष्णव आते हैं वो सब प्रोग्राम तो बहुत हुए हैं उनके आने के बाद, तो इसलिए मैं तो कहता हूँ तो लगभग प्रकट हो जाता है कि कीर्तन के माध्यम से वैष्णव के जो विशेष करके जब उच्च कोटि के वैष्णव जब जब प्रक जब हैं तब प्रकट हो जाता है। मतलब यह है कि एक प्रकार की विधि है, लेकिन विधि अगर विधि है ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाव है। अगर मान लीजिए एक शुद्ध वैष्णव है, अगर कोई तो अगर आपके घर पे शुद्ध वैष्णव आ जाता है, आपके ठाकुर जी हैं, अगर पहले से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, लेकिन अगर शुद्ध वैष्णव आपके आपके घर पे आता है और जब सेवा होता है तब तो प्रकट हो जाएंगे ठाकुर जी। इसलिए जब बहुत सेवा सालों से सेवा किया है तो लगभग प्रकट हो जाता है ठाकुर जी, क्योंकि आपकी सेवा भाव है, सेवा किया है तो प्रकट हो जाता है भगवान। वैसे ही अगर कोई जप कर रहा है शुरुआत में प्रकट नहीं है, है ना भगवान, और नाम कीर्तन कोई कर रहा है तो यहाँ पर कोई कृष्ण प्रकट हो जाता है, जल्दी ना आए लेकिन नाम करते करते धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे, वैसे ही ठाकुर जी। लेकिन जब शुरुआत में कोई सोचते प्राण प्रतिष्ठा करना है तब तुरंत प्रकट हो जाता है, अगर शुद्ध वैष्णव आता है प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है तो प्रकट हो रहा है तुरंत, अन्यथा तो प्रकट पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन ये रूप से तो प्रकट है क्योंकि मूर्ति तो है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है। लेकिन सेवन करते करते क्योंकि भगवान तो देखते हैं सबके दिल में, सर्वव्यापी है, जब अच्छा तरह से सेवा कर रहा है तो प्रकट हो जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। माता जी एक और प्रश्न, इसके बाद और प्रश्न काल पूछ सकता है। हरे कृष्ण जी, अगर ऑल्टर में आपने बताया कि जब हम भोगा ऑफरिंग करते हैं तो भगवान का मूल मंत्र जपना होता है, मूल मंत्र? हाँ जी हाँ, ये जो दीक्षित है ये मूल मंत्र उच्चारण करता है। तो अगर अगर दीक्षित नहीं है तो जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नमो महावद्यान्याय तीन बार बोल के हो जाएगा। और अगर दीक्षित हैं और मूल मंत्र बोलना है तो ऑल्टर में अगर मल्टीपल डेटीज हैं तो किन का मूल मंत्र बोले? अगर मल्टीपल डेटीज है तो ये अगर घर पे है, हाँ जी हाँ, ये है कि देख लीजिए अगर तो यह मान लीजिए गोनीता या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और राधा कृष्ण हो, तो उसी समय यह है कि जो क्लीम कृष्णाय गोविंदाय यह मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ये गोपाल मंत्र। हाँ, और ये भी है अगर मतलब ये मूल रूप कृष्णा है और क्लीम कृष्णाय नमः भी बोल सकता है सबके लिए, सबके लिए हाँ सबके लिए क्लीम कृष्णाय नमः। ठीक है। और जैसे हम भोगा ऑफरिंग करके 15 मिनट बाद भोगा लेने जाते हैं तो उसके बाद कुछ देर गुरु परंपरा के लिए रखना चाहिए भोग की नहीं? हाँ, तो ठाकुर जी जब भोग लगाया है 10-15 मिनट के लिए, इसके बाद तो उनके परिकार को अर्पण करना है, तो मतलब ए, दो तीन मिनट के लिए कम से कम परिकार के लिए, और इसके बाद गुरुजन के लिए भी रखना है दो तीन मिनट के लिए। हाँ जी, तो जब हम भोग उठाने जाएंगे तो उसके बाद घंटी पे जाके फिर ओम गुरुवे नमः करके दो तीन मिनट छोड़ना। हाँ हाँ हाँ, आई एम गुरुवे नमः, आई एम गुरुवे, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा।